आप सबों को जयसु डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रभु येसु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आज प्रभु येसु इस बारे में हमारे सामने कुछ शिक्षा रखते हैं। आज के पहला पाठ में ईश्वर नबी यरेमियास को कहते हैं, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज सुसमाचार में हम योहान बपतिस्ता की हत्या के बारे में सुनते हैं। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास के कारण योहान को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियास से विवाह किया था। और योहान ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इस कारण हेरोदियास योहान को मार डालना चाहती थी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, योहान बपतिस्ता को सत्य बोलने के कारण मृत्यु दंड मिला। झूठ का साथ देने के बजाय उसने मौत को अपनाया। अपना अंतिम जीवन तक सच्चाई के लिए खड़े रहे। आज का पाठ हमारे सामने योहान बपतिस्ता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें भी प्रभु सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। आज खुद को पूछ कर देखें, मेरा जीवन किस प्रकार है? क्या मैं सत्य की राहों पर चलने के लिए तैयार हूँ, या फिर हेरोद के समान दूसरों के दबाव में आकर या मुश्किल घड़ी में मुकर जाता हूँ? आज प्रभु पहला पाठ के द्वारा हमें याद दिला रहे हैं कि वह हमारे संग सदा रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। चलिए आज हम प्रभु येसु से सत्य की राहों में चलने के लिए आशीष और कृपा मांगें। आमीन।